बेबी। जी हाँ, तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल एकदम सही पढ़ा है। मतलब आज अपन अपने लिए एक न्यू डॉग लाने वाले हैं। और देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अभी ने मेरी मम्मी को मतलब कुछ बताया नहीं कि कैसा क्या होने वाला, बस मेरी और दीदी के बीच की बात है। और दीदी भी शौक हुई कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ना घर पे करना है सरप्राइज। आओ पहले दीदी की तुमसे बात कराता हूँ। जरा पब्लिक को बता यार अपने बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है। तू जबरदस्ती बोल रहा है कि तू कुत्ता ला रहा है। और मैं कौन सा लेके आ रहा हूँ नहीं बता रहा। देखो जो मैंने डॉग सोचा है ना, मतलब वो एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए भी। और दीदी को उसने स्टार्टिंग में बताया था कि यार अपन योर डॉग लेने वाले, लेकिन यार इट्स अ सरप्राइज, ठीक है, सबके लिए। दीदी के लिए भी होगा, मम्मी के लिए तो बहुत बड़ा होगा। अब जर पब्लिक को बता दे कि अपने घर में मेन दिक्कत आ क्या रही थी जो मैंने डॉग का बताया था। और दिक्कत तो बहुत आ रही थी। तुम्हें अगर सिचुएशन मेरे घर की नॉर्मल लगती हो, नॉर्मल नहीं है, हर नॉर्मल घर में यही होता है, तो ये नॉर्मल है बहुत। हां यही बोलना चाह रहा था मैं, सुधरा नहीं यार, रहने दे। तूने ये भी प्रॉमिस किया था उस दिन जितना मुझे याद है कि तू सब करेगा। हां मैं जो भी डॉग लेके आऊंगा उसका होना चाहिए। देखो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कट टू कट रॉ, जिसे बोलते हैं रॉ व्लॉग शो कर रहा हूं तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं जो डॉग लेके आऊंगा उसका केयर मैं ही क्या करूंगा, है ना। देखो थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन मजा बहुत आएगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ दे, तू ना नॉटी के टाइम पे भी यही सब हुआ था, मम्मी को बोला हूँ प्रूफ है, एक भी दिन जाना होता तो मैं लेके दादा, तू डिलीट करनी मैं लेके दादा, तू ले जाना, तू ले जाना, ऐसे करते रहते हैं यार। देखो पता है मैं सही बता रहा हूँ, ये ब्लॉग बहुत रो होने वाला है, ठीक है। और ऐसा सच में बोलता हूँ मैं, झूठ तो बोलेगी दीदी ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन यार मैं आज जो डॉग लेके आ रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ, वो डॉग नॉडी इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा डॉग है, अपना पार्टी बढ़ जाएगी। मैं नए वाले डॉग की केयर क्या करूंगा, दीदी नॉडी की, क्योंकि नॉडी से तंग आ गया मैं, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे 24 घंटे काटते रहता है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मम्मी भी बोलती है कि इतना खेलने खेलने में बहुत मारता है ना तू, उसके बाद भी वो तेरे ही पीछे रहता है, बिल्कुल तेरी बाइक के पास आना चाहिए और वो सीढ़ी से झांकता रहता है कि तू क्या कर रहा है। अच्छा मैं जरा पब्लिक को बताऊं, यार देखो सबसे मेन चीज पता है डॉग लाने का मेरा एक मेन रीजन क्या है कि यार नॉडी के लिए ना एक छोटा भाई आ जाएगा, नॉडी के लिए एक दोस्त आ जाएगा, ये बोल के मैंने मम्मी को बहुत मनाया है। नॉडी का मेरा डायलॉग था, उसको बस एक लड़की की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। फीमेल डॉग मत ले ही हो। हाँ, फीमेल नहीं, मेरे लेके आऊंगा। ओ भाई सही बता रहा हूँ, जिससे मैं ले रहा हूँ ना, मैं कहा भी कि भाई अगर मैं फीमेल लेके आ गया ना तो ये तो फिर कर देगा काम पहले दिन में ही। इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना, और आने वाली जितनी वीडियो आएंगी ना उनको यार प्लीज थोड़ा मतलब देखना, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। हाँ अमित भाई ले आए बच्चा। हाँ बच्चा आ, बस आ गया, पहुँचने वाला है, आपको कितना टाइम लगेगा भाई? मुझे यहाँ से 20 मिनट लगेगा था, ज्यादा जितनी देर आप आओगे उतनी देर बच्चा आपसे पहले आ जाएगा। वो तो है मुझसे पहले ही आ जाएगा, मैं भाई 20 मिनट बोल रहा हूँ, मुझे आधा घंटा लग जाएगा जितना मुझे लग रहा है। अपन मिलकर कैडासन करते हैं, ठीक है आ जाओ भाई। ओके तो देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं ना उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से मैंने नॉडी नहीं लिया था। तुम लोगों ने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जब मैं नॉडी को लेके आया था ना, तो जिस भाई से नॉडी लिया था ना अपन उसी भाई के पास दोबारा जा रहे हैं। और मतलब गलत सीन होने वाला है, जो बच्चा मैंने चुना है ना वो बस 10 से 15 मिनट में आ भी जाएगा उनके पास। अपने को साकेत जाना है, खानपुर करके जगह है। तो यार देखो वैसे मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग भी सोचोगे ना कि यार ये इतना बड़ा सरप्राइज, और मैंने तुम लोगों को मतलब ऐसे बताया भी नहीं है ना। मतलब देखो ये तो सरप्राइज है, फैमिली को तो मैं दूंगा, मतलब मम्मी और पापा को तो सरप्राइज मिलेगा, लेकिन साथ साथ तुम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला था। मेरे आंखों से ना आंसू भी निकल रहे हैं, कैसे कैसे मतलब वो मेरे जीवन में अब आएगा, और कहीं ना कहीं सच में ये मेरे जीवन के लिए एक नई शुरुआत होगी। भाई कल तक तो कुछ भी नहीं पता था, ये मैं सही बता रहा हूं, मैंने किसी को नहीं बताया, ये पूरा अनप्लान था। और ये धमाका जैसे ही फोन किया था ना, कुत्ता ला रहे हैं, मैं बोला भाई ये कहां से, चलो चलो अभी लेकिन भाई जितने लोगों को नहीं पता नोनू जो है वो धीरज की डॉग है। पता नहीं चिकन भी खिला दिया ना ज्यादा, बुखार भी 104। अच्छा 4 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे, वही दवाई वाई दे रहे, सिर्फ दे रहे हैं। चल भाई ध्यान रख उसका यार। बाकी यार देखो नोनू भी मुझे बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं, मतलब नोनू से मुझे बहुत अलग प्यार है, ठीक है, फुल मतलब वो अलग ही कुतिया है यार। अरे क्या हाल चाल है अमित भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। ये किसका है? हा? ये भाई आपके लिए ही आया हुआ यार। अरे मतलब देखो भाई ने भाई मुझसे पहले रिवील कर दिया कि यार अपन पग लेने वाले, और तुम देखो कितना छोटा पपी है यार। अरे वाह, स्पेशली आपके लिए आया हुआ, रुक ही नहीं रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, इसलिए पकड़ रखा है। पैसा तो बहुत कमा लिया पिछले लॉकडाउन में, सोने में चेन पाली, बैग गलत था भाई, करीब 1 साल हो गया अपने को। हाँ पिछले लॉकडाउन में आप आए थे, आई थिंक जून में आए थे। हाँ मई के आसपास आया था मैं, और यार करीब सही बता रहा हूँ 1 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, आज भी वैसे ही सब कुछ यार सही है।
क्या तुम्हारा कितने आपके बाल कट गए? बाकी भाई तुमने एक्चुअली नोटिस करी मैंने कपड़े भी सेम पहन रखे यार। जब मैं भी घर से कपड़े पहन के निकल रहा था ना, मैं जो पिछली बार मैंने शर्ट पहन रखी थी मैं पहनने वाला था, लेकिन मुझे याद आ गया कि आप आ रहे हो, वो शर्ट मैंने पहनी नहीं। तुम हंसकी हो, देखो ये बीगल की फुल ले रहे हैं भाई, मतलब सच में यार तो हंसकी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा। ये सारी ब्रीड जितनी भी है यहाँ पे सारे एनर्जेटिक ब्रीड। उसे इस छोटे वाले को देखो, ओ कैसे भाग रहा है। और मैं देख रहा हूं मतलब ये बीगल काफी हाई क्वालिटी, कितने हैवी लिप्स हैं इसके। वही यार, बीगल जो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा स्लिम स्किन के होते हैं वो, लेकिन ये बिल्कुल फुल मार्किंग और बिल्कुल हैवी बोन बच्चा है। तुम लोगों को कहना कि भाई ने बताई दिया है कि यार अपन ने पग फाइनल कर दिया है ना। लेकिन भाई हाँ, उससे पहले यार मैं जरा पब्लिक सामने बात करना चाहता हूं यार। मुझे काफी लोगों ने बोला कि यार नॉडी जो अपना है, बहुत लोगों को लगता है कि यार वो मिक्स ब्रीड है या फिर वो टॉप क्वालिटी नहीं, क्या बोलना चाहोगे इसका? मान के चलो आप 20,000 में बच्चा ले रहे हो तो वो भी रिट्रीवर मिलेगा और रिट्रीवर आपको 2 लाख में। मैंने आपको उस समय बोला था अगर आप चाहो तो उसके मैं मदर फादर दोनों आपको लाइव दिखा दूंगा। बस मैं यही बात बुलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी अपन नॉडी के मदर फादर से ही मिलेंगे। मैंने भाई सर कॉल बात भी करी इस बारे में, तो भाई ये सिर्फ अपन कब करें? जब आप चाहो। और इस हस्की को देखो, हाँ गलत ही शताना ये। ओ भाई ये ब्लू आईज है, कितने का है ये? अराउंड है 45 का। अरे ये देखो, इसको देखो, पतले वाले को देखो कैसे, मतलब बहुत बच्चे हो यार ये। बाकी तुम एक बार हस्की को पास से देखो कितना सही लग रहा है भाई। क्या आप भी डॉग? नहीं मैं तो बर्ड के लिए फूड लेना है। अच्छा अच्छा, मैंने तो आपकी गाड़ी देखी, मैंने मॉन्स्टर होटल भाई गाड़ी बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल भाई, फुल गलत कर दो साथ में, फुल गलत भाई, फुल गलत। अरे वाह, एक अपने पास पग ये है भाई, दूसरा उसको लेके आओ एक बार, वो हाथ में नहीं आ रही, इनका दिखाओ। तो ये यार फीमेल है और ये मेल, ठीक है? तो भाई जरा दोनों का बताओ यार, जितना हैवी बोन इसका है वो इसका नहीं, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, पता लग समझ में आ रहा है, वो इतनी हैवी बोन नहीं है, ये क्या एक मीडियम क्वालिटी है। अच्छा हाँ, लेकिन ये क्या, ये हैवी बोन और पंच फेस क्वालिटी है। इसके जो हेड पे रिंकल है, इसके पास ये रिंकल नहीं है। तो ये चीज होती है, हम भी काम करते हैं, हमारे पास डेली कॉल्स आती है, क्लाइंट हमसे यही कहते हैं आप हमें 10 का दे रहे हो, सामने वाला हमें 7 का दे रहा है। तो उस चीज को भी आप समझने की कोशिश करो ना कि क्वालिटी कंपेयर करने की हमेशा कोशिश करो। आप जब भी पप्पी खरीद रहे हैं क्वालिटी कंपेयर करके जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अगला बंदा 10 का दे रहा है और मैं 15 का दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा है? कि कोई मार्केट में वो भी बैठा है, मार्केट में वो भी बैठा है। और मैंने ना पक्के बारे में एक चीज सुनी कि अगर तुम्हें पक्की टॉप क्वालिटी का मैं जानना है तो मैंने यार पढ़ा था कहीं इनका फेस सामने से ना थोड़ा स्क्वायर में होना चाहिए, है ना? हाँ, और साइड से गोल आना चाहिए। बिल्कुल, तो हेड जो है ब्रॉड होना चाहिए। हाँ, और जो धीरे धीरे करके जैसे एज बढ़ती जाती है इनके स्टार बन जाता है हेड के ऊपर। अच्छा, तो भाई जरा पब्लिक को बताओ यार आपका स्टार्टिंग से पगी है? फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो पक्के साथ ही रहा, और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था वो पक्के अंदर ही था। पक्का पहली बार मैं ऐसे भाई फादर बनूंगा तो क्यों, मतलब आपने पक क्यों चुना? पहले मैं फोटोज या वीडियो मैं देखता था वो वोडाफोन के एड में, वोडाफोन वाले कुत्ता देख लो, इस वोडाफोन वाले कुत्ते को कैसे देख रहे हैं मुझे। आज से कम से 10-15 साल पहले 2-2 लाख रुपए के मिल रहे थे इंडिया के अंदर। ओ भाई साहब, सही में? सही में। और आप सेटिस्फाइड हो अपने पक से? बिल्कुल सेटिस्फाई हूं भाई। फिर डन कर दें इसे? बिल्कुल, मेरी तरफ से तो डन है। तुम यार जरा इसे भाई पास से देखो, मतलब ये मास्टर बर्डर का सेकंड डॉग है, ठीक है? मैं नहीं दे रहा भाई। आए, तेरे को पसंद आ रहा है भाई? बहुत क्यूट है यार, रेडी नहीं होता बिल्कुल, बच्चा सा, सॉफ्ट भी बहुत है यार भाई। थैंक यू फॉर द पग यार। और जिसको मतलब डॉग देना है वो भाई से ले सकता है, ठीक है? एक ही पेट शॉप। हाँ, कालका जी। तुम देखो इसे, कैसे कैसे धीरज को परेशान कर रहा है भाई। अभी इसने करीब आधा घंटा सोया है भाई, आराम से आधा घंटा सोया है, उसके बाद उठा काटना शुरू। ओ सही बात है, फुल तो भाई देख रहे हो, नॉडी जैसे ही हो जाएगा बिल्कुल। पास से देखो इसे, कितना क्यूट है, देखो कैसे कैसे काट रहा है, देख रहे हो भाई? दांत लग रहे हैं भाई, अभी दांत इनके बहुत नुकीले होते हैं, बहुत नुकीले हैं। अरे वाह, तो तुम देखो धीरज अब ले आया अपने पग के लिए 7 लाख। ये रहा अपना पग, ये रहे अपने सब्सक्राइबर्स। हां फुल गलत कर दो, फुल गलत चैनल। अच्छा तुम लोग सबसे पहले जिन्होंने ये पग देखा है तो कैसा लग रहा है तुम्हें? भाई बहुत बढ़िया, अबे यहाँ पे जाम लगवा, हम कैम मिल रहे हैं अभी। क्या नाम क्या रखना है, क्या नाम क्या सोच रहे भाई? वो तो पब्लिक बताएगी क्या नाम रखना है इसका। तुम क्या बोलते हो? ऑस्कर। ऑस्कर, ये नाम तो दिया हुआ है किसी ने यार, माइकल। अब देखो अब तुम लोगों का काम है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में ना पक्का नाम फेस करो, ठीक है? मतलब तुम लोगों को क्या नाम रखना है, भाई ने क्या नाम रखा है? माइकल। तुम लोग नाम बताओ यार, भाई तू क्या बोलता है? सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा ना। देखो मैं चाहता हूँ कि ना इस वीडियो में करीब 10-15,000 कमेंट्स हैं, अपने अपने नाम सर्च करो, जो सा नाम मुझे पसंद आएगा अगली वीडियो पर प्रॉपर यार कुछ सब्सक्राइबर का नाम लेके मैं बताऊंगा कि यार इन्होंने मुझे ये नाम सर्च किया, तो कमेंट करना बिल्कुल मस्ट है।
और यार मैं सोच रहा ना इस वाले वीडियो को अपने यहीं पे एंड करते हैं। मतलब देखो घर जाके ना जो रिएक्शन आएंगे, मतलब मम्मी पापा दीदी नोडी सबके रिएक्शन बहुत गजब होने वाले हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि देखो अभी ना बस दीदी को पता था कि मतलब अपन पग लेके आ रहे हैं, ना मम्मी को पता है ना पापा को पता है और नोडी को तो कुछ पता ही नहीं। और हाँ सुमित जी देखो कमेंट्स जरूर करना है, ठीक है। मैं यार सच बता रहा हूँ, मुझे ना इस वाले वीडियो में कमेंट्स की बारिश चाहिए। तुम्हें बताओ क्या तुम्हें ये पग कैसे लग रहा है, और हाँ नाम तो तुम्हें सर्च करना है, ठीक है। बाकी चलो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे का ऑप्शन भी ज्यादा डालूंगा। तुम्हें बस अपलोड कर देना व्यू देखते, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, जो अगला ब्लॉग आएगा ना उसमें बहुत केड़ा सीन होने वाला है, मतलब पूरे फैमिली के रिएक्शन आने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, कल आएगा ब्लॉग। तो यार मैं मास्टर बेटर मिलता हूं आपसे अभी में, तब तक के लिए गुड बाय। दे चिंगारी ना केड़ा भाई केड़ा केड़ा सीन है, सीन केड़ा केड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है, ए सीन केड़ा केड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है, सीन केड़ा केड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है। दे चिंगारी ना तेरा भाई फुल केड़ा सीन है।